हाई एवरी वन, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द मेन्स। अभी प्रीलिम्स तो हो चुके हैं एंड मेन्स का प्रिपरेशन अभी चालू करना है। तो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द वॉट शुड बी आवर अप्रोच फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मेन्स। तो पहले तो ये है कि आपका जितना भी कट ऑफ आ रहा है, लाइक कट ऑफ मेनी ऑफ द टेस्ट सीरीज हैज़ प्रेडिक्टेड द कट ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट्स लाइक 98 to 102, ऐसा कुछ तो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एंड अपनी अपनी कैटेगरी जो भी है रिजर्वेशन के हिसाब से कट ऑफ आ रहा है, जैसे OBC का 95 to 99, ऐसा कुछ तो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, जो मैंने एनालिसिस भी किया है प्रीलिम्स का, उसका भी वीडियो अपलोड किया है। तो आपका एक कट ऑफ देख लीजिए, तो उसके हिसाब से आपका जितना भी मार्क्स आ रहे हैं आंसर की से, तो आप अगर नियर बाय भी है, जैसे लेट्स से जनरल का कट ऑफ अगर 98 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग 96, देन यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस, राइट। क्योंकि कैसा होता है कि 1 or 2 क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग हो सकते हैं टेस्ट सीरीज में, एंड UPSC कैन गिव डिफरेंट आंसर, राइट। तो वो है, सो इनिशियली आई विल टेल फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर ऑन द बाउंड्री, जिनको लगता है कि मेरा हो भी सकता है, मेरा नहीं भी हो सकता है, उनके लिए क्या गाइडलाइन है, लेट्स सी फॉर दिस। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड समथिंग अराउंड 15th of July। एक 40 डेज का गैप होता है जिसमें एक रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हम 40 डेज का गैप अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो भी जो फेंस पे है, जिनको लग रहा है कि उनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उनके लिए एक एडवाइस ये है, आपका अगर ऑप्शनल सेलेक्टेड है तो आप ऑप्शनल का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। सेकंड, यू कैन प्रिपेयर एसे एंड इथिक्स, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है वो हर साल होता है, लाइक ऑप्शनल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस ईयर ऑल्सो, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो एक 40 दिन हम वेस्ट कभी नहीं कर सकते। तो अगर हम 40 दिन में ये 3 सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, जैसे एसे है, ऑप्शनल है और इथिक्स है, और ये दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन UPSC। अगर आप ऑप्शनल 300 स्कोर करते हो, एसे में 150 स्कोर करते हो और इथिक्स में आप अबव 100 स्कोर करते हो, बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट इन विच देर इज़ अ वेरिएशन, मोर वेरिएशन ऑफ द मार्क्स। लाइक मेनी एस्पिरेंट इन एसे दे विल स्कोर 150, 160, 170, एंड देर आर मेनी हु विल स्कोर समथिंग अराउंड 110 एंड 120। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है, तो जो भी जिनको भी लगता है कि आप मेरा कट ऑफ के पास में है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द दीज 3 सब्जेक्ट्स। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है तो आप टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये जो 3 है ये आप प्रिपेयर करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि हम 40 दिन तो वेस्ट नहीं कर सकते, 40 दिन में हमने पढ़ना चालू कर देना चाहिए। तो आप ये प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। For rest of the candidates who think that they are into the list, they think that their marks are way ahead than the cutoff, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहली इंपॉर्टेंट तो है कि आप टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज ये तीनों चीज़ों की होती है, जैसे ऑप्शनल है, GS पेपर्स है और SA है। तो आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो सब टेस्ट सीरीज का एक मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब दिया था, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने सिर्फ ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज की थी एंड आई जॉइन टेस्ट सीरीज फॉर द मेंस GS पेपर्स, बट मैंने इथिक्स का टेस्ट सीरीज नहीं किया था बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम एट दैट टाइम। लेकिन आपको, आपका अगर सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपको, आपके पास अगर टाइम है तो आप एसे का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो एसे का टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए, बट यू मस्ट राइट एटलीस्ट 4 to 5 एसे बिफोर गोइंग इन टू द एग्ज़ाम हॉल। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली वहाँ पे जाके एसे लिखते हैं, आई थिंक इट इज़ सुसाइडल, ये नहीं करना चाहिए। तो आप एसे का देख लीजिए, बट ऑप्शनल के लिए इट इज़ मस्ट यू शुड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप थोड़ा सा सीनियर से कंसल्ट कीजिए कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा उसके प्रोज एंड कॉन्स ऐसे हो सकते हैं कि कितने दिन में पेपर चेक करके मिल रहा है, सेकंड उनका इवैल्यूएशन कैसे है, बहुत कम मार्क्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, मॉडरेशन में दे रही है। तो ये तो आपको सीनियर से ही पता चलेगा, सो कंसल्ट सीनियर्स फॉर दिस। फॉर GS आई थिंक टेस्ट सीरीज जो है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग हैं,
वो सेक्शनल टेस्ट, मतलब जैसे GS 1 के सेक्शनल टेस्ट में कोई टेस्ट में हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री होता है, बाद में ज्योग्राफी होता है, बाद में सोसाइटी होता है, ऐसे टेस्ट होते हैं। तो सेक्शनल कुछ टेस्ट रहते हैं एंड कुछ फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सेक्शनल पढ़िए, सेक्शनल टेस्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट ज्वाइन करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कम पोर्शन होता है, सो यू कैन प्रिपेयर इट एंड यू कैन गिव द टेस्ट। जब मैं टेस्ट देने जा रहा था, आई वॉज़ वेरी फियरफुल एट दैट टाइम कि मेरे से 3 घंटे में लिखना होगा नहीं होगा। तो आई विल टेल यू ऑनेस्टली कि यू विल राइट कंप्लीट पेपर, यू विल राइट ऑल द 20 क्वेश्चन इन दोज 3 आवर्स, या आप मेरे पे भरोसा रखिए। लेकिन इसके लिए यू शुड स्टार्ट अर्ली, राइट? आपका अगर अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, कुछ भी मेंस का प्रिपरेशन नहीं है, इट डजंट मैटर, यू गॉट 3 मंथ्स, बट यू हैव टू वर्क फॉर दैट। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा भी जो लास्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं थी, बट मैं कर सका, क्योंकि मुझे पता था कि ऑप्शनल मेरा अच्छा था तो मैं ऑप्शनल कर सका। देन फॉर GS ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जितना हो सका उतना मैंने किया था। तो ये आप करिए, जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज आपका अगर प्रीलिम्स में हो रहा है, श्योर है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और पेपर लिखना चालू कर दें, क्योंकि आप रिज़ल्ट की रिज़ल्ट तक आप रुक नहीं सकते। तो इसके लिए करिए जल्दी। दूसरी चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम कैसे देना चाहिए। जैसे ऐसे है, ऑप्शनल है और GS पेपर से, तो ऑप्शनल आई थिंक ऑप्शनल को हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ऑप्शनल के लिए जैसे अगर आप डायरेक्टली बोलते हो तो एक आध महीना ऑप्शनल के लिए जाता है। बहुत अच्छे से ऑप्शनल प्रिपेयर करिए, बिकॉज ऑप्शनल अगर 300 के पार जाता है, सो देर इज़ अ चांस दैट यू विल स्कोर 300, यू विल स्कोर 300। तो आपका अगर 300 स्कोर होता है तो यू मे बी इन द लिस्ट, राइट? ये चांस है। तो एक तो हुआ ऑप्शनल के। GS के लिए आप टाइम ऐसे अलॉट कर सकते हैं, इथिक्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इथिक्स में मार्क्स आते हैं। देन फॉर GS 2 एंड 3, जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, तो हमें इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बिकॉज हम GS 3 में तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम मार्क्स भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये अगर हमने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया तो वहाँ पे मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। GS 1 में जो हिस्ट्री का पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, ये थोड़ा सा इसे हम टाइम थोड़ा सा कम दे सकते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, तो वही यहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा ज्योग्राफी का पोर्शन है, स्टैटिक ज्योग्राफी थोड़ा सा उन्होंने पूछना बंद कर दिया है, तो थोड़ा सा रिसोर्सेस जो है, समझो मीथेन हाइड्रेट है या नेचुरल गैस है, देन शेल गैस है, ये थोड़ी इनोवेटिव चीज़ें हैं। यूपीएससी लाइक्स टू आस्क अबाउट दिस थिंग्स। तो हम आप ये पढ़िए थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में, जो 7-8 फैक्टर्स है। आई विल अपलोड द डाइग्राम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, कि वो उससे रिसोर्सेज का हम क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो ज्योग्राफी के पोर्शन में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा सा सोसाइटी का जो पोर्शन है, सोसाइटी के पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी मार्क्स वेरी होते हैं। सोसाइटी का जो पोर्शन है उसके लिए तो बेस्ट सोर्स मैं यही मानता हूँ कि थोड़ा सा सब क्लासेस के मॉडल आंसर लीजिए एंड प्रिपेयर फ्रॉम दैट फॉर द सोसाइटी पोर्शन। थोड़ा सा टॉपिक बाय टॉपिक वहाँ पे प्रिपेयर करिए, जहाँ पे जैसे रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने पास होनी चाहिए, बिकॉज यू विल राइट द डेफिनेशन इन इंट्रो इटसेल्फ, तो वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये GS 1 के बारे में हुआ। वैसे तो मैं हर GS का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी दे दूंगा अगले आने वाले दिनों में, लेकिन एक ओवरऑल हम ले रहे हैं। तो GS के लिए हम ऐसे टाइम दे सकते हैं कि GS 3 में सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा, देन GS 4 इथिक्स, देन GS 2, देन GS 1, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सबसे पहले तो ज़्यादा टाइम जाएगा ऑप्शनल, देन GS, और ऐसे के लिए इससे भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन आप GS बाकी GS को इतना टाइम देते हैं तो उसमें 110-120 मार्क्स आते हैं, लेकिन आप उतना ही अगर टाइम, उससे कम टाइम आप अगर ऐसे को देते हैं तो ऐसे विल स्कोर 150। तो हमें ऐसे को भी टाइम देना है। तो इससे हम ऐसे कर सकते हैं कि हर संडे को एक टाइम अलॉट कर सकते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे, तो आप 3-3 घंटे बैठ के 2-2 ऐसे लिखिए
आइधर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, या आप अगर घर पे भी लिखते हैं तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर लेके आइए और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तो दोनों भी चलेगा अपने लिए। तो लेकिन एस्से को टाइम अलॉट करना ज़रूरी है, यू शुड कीप दैट इन माइंड। देन बाकी प्रिपरेशन में आता है कि करंट अफेयर्स कैसे करना है। करंट अफेयर्स आइधर जो आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है, मंथली मैगजीन में भी हो सकता है, या कोई भी 365 लीजिए, 365 में पूरा साल का करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स मोस्टली वहीं से आते हैं, तो एक ओवरव्यू होना चाहिए आपने को कि हाँ ये करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हुई है, अगर ये क्वेश्चन आता है देन आई विल राइट दिस। तो अगर कोई जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, या कोई रिजर्वेशन आता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है, या कोई बजट में कुछ प्रपोजल्स है फॉर GST, यू मस्ट रीड बजट बिकॉज दे विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द बजट। तो बजट का ये ऐसे भी इस साल अभी बजट आएगा, न्यू बजट गवर्नमेंट विल गिव द न्यू गवर्नमेंट विल गिव द न्यू बजट दिस ईयर, यू शुड रीड दैट बिकॉज उस पर एक क्वेश्चन बनता है। ऑल्सो द प्रोविजन्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट यू कैन यूज इन मेनी आंसर्स। तो स्टैटिक के लिए 365 पढ़िए, तो 365 से मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो जाएगी आपकी। देन बनता सॉरी फॉर करंट 365, फॉर स्टैटिक जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वही यूजफुल है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, देन इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने प्रीलिम्स में पढ़ी है, तो इसको थोड़ा सा कम टाइम देके थोड़ा सा फास्टली करिए। थोड़ा सा हम अगर फास्टली करते हैं तो हमें करंट के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन स्टैटिक छोड़िए मत। जैसे पॉलिटी में दे आर आस्किंग 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिक, राइट? लास्ट टाइम दे आस्क अबाउट क्वेश्चन अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, दे आस्क क्वेश्चन अबाउट द कैग, तो हमें स्टैटिक पोर्शन भी पता होने चाहिए। तो स्टैटिक थोड़ा सा करिए, स्टैटिक्स अच्छे से करिए बिकॉज स्टैटिक से हमारा क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, करंट से भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देन सबसे अभी मार्क्स बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो वैल्यू एडिशन हम कैसे करेंगे? वैल्यू एडिशन के लिए हम कुछ नया नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन की तो हम वही मैगजीन से ही करेंगे। जैसे कोई कमिटीज़ होती हो, राइट? लास्ट टाइम देर वॉज अ कमिटी, मीर शाह पैनल वॉज देयर, मीर शाह पैनल वॉज अबाउट द रिकमेंडेशन फॉर द वाटर स्केयरसिटी इन इंडिया। तो मैं मीर शाह पैनल तो मैंने GS 1 में भी लिखा है, 2 में भी लिखा है, 3 में भी लिखा है, वाटर का क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों में था। तो आई यूज टू राइट गवर्नमेंट शुड फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ द मीर शाह पैनल, राइट? ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कमिटीज से बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है बिकॉज इट विल मेक यूर आंसर ऑथेंटिक। आपके आर्ग्यूमेंट को जितना वैल्यू नहीं है उतना कमिटी के आर्ग्यूमेंट को है, राइट? अगर पुंछी कमीशन ने कहा है कुछ तो भी स्टेट सेंटर रिलेशन के बारे में, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड राइट इट। तो लास्ट टाइम जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्वेश्चन आया था, देन आई रोट दैट पुंछी कमीशन हैज सजेस्टेड दैट टर्म्स ऑफ रेफरेंस शुड बी डिसाइडेड बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कमिटीज़ करिए, जितनी भी कमिटी न्यूज़ में है, जैसे पब्लिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो अभी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जैसे फॉर्म कर रहे हैं, RBI फॉर्म कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। तो हम कोई इकोनॉमी क्वेश्चन में आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि RBI शुड फॉर्म द पब्लिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उनका करना चाहिए। तो ये एक होता है। देन वैल्यू एडिशन में डाटा होता है, डाटा यू कैन ऐड थ्रू द मैगजीन्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डाटा है या कोई इकोनॉमी का डाटा है। लाइक फॉर वीमेन ऑल्सो आई हैड 7 to 8 डाटा, लाइक जेंडर गैप इंडेक्स, दिस टाइम ऑल्सो देर इज़ अ 108 जेंडर गैप इंडेक्स। देन लिटरेसी, मेल का लिटरेसी 82% है बट फीमेल का लिटरेसी 65% है। देन देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द हेल्थ, दैट इज़ एनीमिया इन द एज गैप ऑफ एज ऑफ 15 to 49 years, 54% वीमेन आर एनेमिक। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये हम डाटा कोट कर सकते हैं। ऐसा फार्मर के लिए डाटा है, सबके लिए डाटा है। डाटा ऐड करने से आपका एक सब्सटेंशिएट करना ईजी होता है। तो आप डाटा के लिए एक सेपरेट बुक बनाएं, GS 1, 2, 3। GS 1 में सोसाइटी का पोर्शन है, 2 का पोर्शन है, 3 का पोर्शन है, तो इसके लिए आप सेपरेट डाटा कर सकते हैं। तो डाटा करना चाहिए, कमिटीज़ करनी चाहिए, रिपोर्ट्स करने चाहिए, जिससे आपके आंसर को एक थोड़ा सा ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस का प्रिपरेशन हमें टाइम है, 3 महीने टाइम है, तो हम फोकस्ड कैसे रह सकते हैं? फोकस्ड रहने के लिए तो सबसे बेस्ट मीडियम है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या हो सकता है, वो एक प्रेशर होता है हमें कि हाँ हमें परफॉर्म करना है, तो यू हैव टू गो टू टेस्ट सीरीज, यू हैव टू राइट देयर। सो
सो व्हाट यू विल डू कि हाँ ये मेरा टेस्ट सीरीज़ का एक शेड्यूल है, तो टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा। तो आप टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए और टेस्ट सीरीज़ सब सॉल्व करिए। एक रफ आप एक 3 महीने का पूरा चार्ट बनाइए कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ कब लिखूंगा, ऑप्शनल की कब लिखूंगा, जीएस की कब लिखूंगा, मेरा पढ़ाई कैसे होगा, तो बाद में रिवीजन कैसे होता जाएगा। ऐसे नहीं कि चलो पढ़ते जा रहे रिवीजन तो हो रहा ही नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। रिवीजन के लिए भी टाइम दीजिए। तो एग्ज़ाम है 20 सितंबर को। और एक सबसे बड़ी एडवाइस जो देना चाहूँगा, लास्ट टाइम जब मैं दे रहा था एग्ज़ाम, आई फेल्ड दैट कि लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। आप 3 3 घंटे पढ़ाई करके आप इतना थक जाते हो दैट यू कैन नॉट रीड मोर देन 10 पेजेस। तो आप ये करिए कि आप शॉर्ट नोट, माइक्रो नोट्स बनाइए जो आप एग्ज़ाम के दिन पढ़ सकते हो। जैसे कल मेरा GS 1 एंड 2 का पेपर है, तो आई विल रीड ओनली 10 पेजेस, 5 पेजेस ऑफ GS 1, 5 पेजेस ऑफ GS 2, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो मुझे याद नहीं रहता, जैसे डाटा है, फिगर है, कमिटीज़ है, आर्टिकल्स है, ये चीज़ें मैं पढ़ के जाऊँगा। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो हम देखते हैं अभी, जैसे GS 1 2 3 4 सबकी मैं स्ट्रेटेजी दे दूंगा। और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी जो हम प्रिपरेशन में मेरे से जितना हेल्प हो सकता है हम करेंगे, मैं करना चाहूँगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरी कैंडिडेट। अभी ज़्यादा वेट मत करिए एंड मेंस का प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट टू एवरी वन।